एवरीवन, दिस इज मी सात्या हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा राइट नाउ, अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है अपने पर्सन के साथ और आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी हाँ या ना, देन उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। सो टॉपिक रीडिंग का यही रहेगा, विल द टू ऑफ यू हैव द कम्युनिकेशन इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, यस सो नो। क्या आप लोगों की बातचीत होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में हाँ या ना। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इसी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ कभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपकी बातचीत होगी आपके पर्सन से हाँ या ना। इसमें मैं आपको ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करके एडिशनल गाइडेंस भी ऐड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड और लेट्स फाइंड आउट कि क्या आप लोगों की बातचीत होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में हाँ या ना। क्या आपकी बातचीत होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में हाँ या ना। एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, The Chariot, the Tower, Ace of Pentacles, the Emperor, Knight of Pentacles. मुझे लगता है कि इफ़ एंड ओनली इफ अगर आप अप्रोच करो अपने पर्सन को सिर्फ तभी आपकी बातचीत होगी, अदरवाइज इफ़ यू आर वेटिंग हाँ तो मुझे लगता है कि मुश्किल है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो आपकी बातचीत हो सकती है अपने पर्सन के साथ, लेकिन इनिशिएटिव जो है वो आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँ कि अगर आप इनिशिएटिव लेते भी हो अपने पर्सन की तरफ कम्युनिकेशन करने की, बातचीत करने की कोशिश करते हो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहोगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि यूजली यू नो जब मैं इस तरह की कोई रीड करती हूँ उसमें अक्सर मुझे अगर लगे ना कि आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या अगर मुझे लगे कि आपको अगर आप करोगे तो बातचीत होगी लेकिन तब भी शायद पर्सन अच्छे से बात ना करे, यूजली इस तरह की एनर्जीज आती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि समहाउ अगर आप इनिशिएट करोगे तो आपको रिस्पांस जो है वो ज़रूर मिलेगा, पर्सन आपको इग्नोर नहीं करेगा। सो लेकिन अगर आप उसका इंतज़ार करते हो कि वो अप्रोच करे या वो कम्युनिकेट करे, तो मुझे उसकी एनर्जीज नहीं दिख रही। हो सकता है लेटर टाइम में दैट पर्सन विल अप्रोच यू, लेकिन अगर आप नेक्स्ट 48 आवर्स की अगर हम बात करें तो मुझे उसके एंड से कोई कम्युनिकेशन होती नहीं दिख रही। बट यस, अगर आप इनिशिएट करोगे तो मुझे लगता है कि आपकी बातचीत ज़रूर होगी। नॉट जस्ट दैट, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा भी पॉसिबल हो सकता है आपके और आपके पर्सन के दरमियान। समहाउ मुझे लगता है कि अगर आपका पर्सन काफ़ी हद तक आपको इग्नोर कर रहा था या फिर आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जो कि शायद इतना अच्छा नहीं था। और अगर आप उसे इनिशिएट करते हो कम्युनिकेशन, उसे बात करने की कोशिश करते हो, तो मुझे लगता है कि रिस्पांस आपको इसलिए अच्छा मिलेगा क्योंकि जो उसका इशू था, जो भी मैटर था जिसको वो डील कर रहा था, मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो चुका होगा। समहाउ वो अपनी पावर में वापस आ चुका है। अगर उसको कोई चीज़ ऐसी उसकी ज़िंदगी में हो रही थी, चाहे फैमिली में या करियर वाइज, तो मुझे लगता है कि वो उन सब चीज़ों से निपट चुका है। सो अगर आप इनिशिएट करते हो तो मुझे लगता है कि बात होगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन खुद से इनिशिएट करेगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि क्या आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपकी बातचीत होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने पर्सन के साथ हाँ या ना। अगर आप इनिशिएट करोगे तभी होगी बात, मुझे नहीं लगता कि अदरवाइज आपकी बात हो रही है। लेकिन अगर आप इनिशिएट करते हो, ट्रस्ट मी, आपका रिजल्ट इतना अच्छा रहेगा, आपका आउटकम इस सिचुएशन का बहुत अच्छा रहेगा। समहाउ हो सकता है कि आपका पर्सन भी यही चाह रहा हो राइट नाउ, लेकिन शायद उसको एक होता है ना कि मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको टाइम नहीं मिला, इट्स जस्ट दैट कि शायद उसको आपको रीच आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा डिफरेंट चीज़ों के बारे में। समहाउ शायद उसको लग रहा होगा कि अगर वो अप्रोच करेगा आपको तो आप शायद डिमांड करोगे या एक्सपेक्ट करोगे कि वो डायरेक्ट आपको प्रपोज करे या समथिंग टू डू विद दैट, जो कि शायद वो नहीं करना चाह रहा या एटलीस्ट फॉर नाउ नहीं करना चाह रहा, जिसकी वजह से शायद जो भी आपका पर्सन है वो चाहेगा कि सोच समझ कर फिर आपको अप्रोच करे।
मे बी इस चीज़ के बारे में सोच समझ कर या अदरवाइज भी सोच समझ कर आपको रीच आउट करे, लेकिन मुझे लगता है कि कर लेगा लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं। और अगर आप रीच आउट करते हो तो वो हैप्पी होगा, बल्कि मोर देन हैप्पी होगा कि यू डिड रीच आउट टू दैट पर्सन, और मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपको ऑब्सेस करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपनी अपने आप को स्टेबल रखोगे, ऑब्सेस नहीं करोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे और कोशिश करो कि यू नो एक एक एक्सट्रीमिज्म पे नहीं चले जाओ व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन और दिस कनेक्शन। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाओगे और जहाँ पे अगर आप पागल हो जाओगे फिर से कि आपका पर्सन ने मैसेज नहीं किया या उसने ये नहीं किया या उसने बात नहीं की, उसने हर मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, कोशिश करो कि लिमिटेड मैसेजिंग करो, लिमिटेड बातचीत करो, लिमिटेड कॉल्स करो, लिमिटेड मैसेज या ईमेल्स करो, कोशिश करो कि कीप इट टू यू नो लिमिटेड स्टफ़। ज़्यादा ऑब्सेस हो के ज़्यादा 1,000 मैसेजेस 1,000 कॉल्स जो हैं वो उस तरह की सिचुएशन में आपने नहीं जाना। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ आपके लिए इस पूरे सिनेरियो को लेकर। लेट्स सी क्या आपकी कम्युनिकेशन होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, और उसके लिए आपके लिए क्या ओरेकल गाइडेंस है। लेट्स सी दो कार्ड्स हैं। ट्रस्ट करो कि जो भी हो रहा है इट्स गोना ब्रिंग यू समथिंग गुड। सो एक तो ये पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करो कि अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स और फियरफुल जो सिचुएशंस हैं उसके बारे में सोचना ख़त्म कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अक्सर जो है वो वरीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हो, और इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन होगी भी तो मुझे लगता है कि वो आपकी फियरफुल थाट्स की वजह से ख़त्म हो सकती है। अगेन कोशिश करो कि एक लिमिटेड चीज़ों में रखो ताकि आप अपना यू नो कीप योर सेल्फ बिजी। अगर आप रीच आउट भी करते हो पर्सन को तो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में कुछ और भी एट द सेम टाइम चल रहा हो, और अगर नहीं चल रहा होगा तो मुझे लगता है कि ऑब्सेस जरूर करोगे आप, जो कि आपके लिए अगेन गलत हो जाएगा। सो ट्राई नॉट टू डू दैट। और उसके अलावा है कि आपको एक चीज़ और अपने अंदर एक यू नो एक वो बिलीफ लेकर आना है कि यू आर डिजर्विंग ऑफ समथिंग गुड। आपको ये फियर नहीं होना चाहिए कि शायद आप में किसी चीज़ की कमी है जो इसलिए आपका पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर रहा या आपको टाइम नहीं देगा। इट्स अगेन आप अगर पॉजिटिव सोचोगे अपने आप को लेकर तो आपके जहन में कभी भी फियरफुल थाट नहीं आएगा। आपको हमेशा लगेगा कि यू आर समबडी जो आपका पर्सन डिज़ायर करता है, यू नो एक एक उसके अंदर आपको लेकर मैग्नेटिज्म होना चाहिए जो कि आपकी तरफ उसे पुल करे। तो आपके आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म तभी होगा जब आप अपने आप को वर्दी समझोगे इस चीज़ के। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अपने आप को अक्सर फील करते हो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपका पर्सन जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, या उसके हाथ में इस कनेक्शन की जो है वो यू नो डोर है, और वो जब चाहे वो तोड़ देता है, जब चाहे वो यू नो उसको जोड़ देता है। समहाउ आपको ये चीज़ें भी स्टॉप करनी है, अपने आप को रीअफर्म करना बार बार, या इस तरह की सोचना भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचना कि पावर जो है आपके कनेक्शन की उसके हाथ में, ऐसा नहीं होता। पावर आपकी ज़िंदगी की, आपके सारे जो मामलात हैं उसका कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। कहीं ना कहीं आप अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से या नॉट सो पॉजिटिव थॉट्स की वजह से या फिर किसी भी तरह की नेगेटिविटी की वजह से, चाहे डायरेक्टली आपके अंदर है या फिर आपके सराउंडिंग में है या फिर जो आप सुनते देखते हो उसमें है, वो आप अट्रैक्ट करते हो और उसी का रिजल्ट आप अपनी लव लाइफ में देखते आए हो। सो अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन हो और चीज़ें बेहतर की तरफ जाएँ तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जो है वो उसका आपकी कमी को जो है वो दूर करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि आप जो चाहो वो आपको मिल सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकता है इस कनेक्शन में स्पेशली। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगता होगा कि आपका पर्सन शायद बहुत गुड लुकिंग है या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा और ऑप्शन, या तो वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है जिसकी वजह से आपको यू नो या आपको लगता है कि आप शायद गुड लुकिंग नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, या फिर आपको लगता है कि उसके पास बहुत सारे ऑफर्स या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास नहीं है। सो यू नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जो भी चाहे उसके पास हूल परी या हूल पराई भी आ जाए, लेकिन उसको आप ही चाहिए। अगर आप इस बिलीव के साथ इस कनेक्शन को परस्यू करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आप नहीं करोगे, इस तरह से नेगेटिव ही सोचते रहोगे खुद को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, कंडीशंस को लेकर, तो मुझे लगता है कि आपके लिए मसले रहेंगे। सो कोशिश करो कि इन चीज़ों के ऊपर वर्क करो ताकि आपके लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ आसानियाँ आएँ और कम्युनिकेशन जो है वो वापस आप लोगों की स्टार्ट हो। सो ये थ्री रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।